आज हम वाटर साइकिल को स्टडी कर रहे हैं। वाटर साइकिल की डायग्राम मैंने आपके सामने डिस्प्ले की है। इसमें हम देखेंगे कि वाटर किस तरह से साइक्लिक वे से चलता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम से ही देख सकते हैं, यहाँ वाटर बॉडी हमने दिखाई है। वाटर बॉडी इट में इंक्लूड ओशन, इट में बी द रिवर और अदर पॉन्ड्स एंड लेक्स, ये हो सकते हैं। तो जब वाटर बॉडी पे सनलाइट के प्रेजेंस में इवेपोरेशन हो जाती है तो वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ये वाटर वेपर्स जब काफी ऊपर चले जाते हैं, ये वाटर वेपर्स टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से कूल डाउन हो जाते हैं और ये क्लाउड्स बन जाते हैं, जिनको हम बादल कहते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में, यहां पर हमने कुछ प्लांट्स दिखाए हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द वाटर बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट लीव्स हो सकते हैं, लेंटिकल्स हो सकते हैं, स्टेम के कुछ पार्ट हो सकते हैं। तो ये वाटर वेपर्स निकलना और ये भी ऊपर चले जाते हैं और इनका भी क्लाउड्स बन जाता है। साथ साथ कुछ एनिमल्स होते हैं, एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस वक्त भी वाटर वेपर्स रिलीज हो जाते हैं। ये सब कुल मिला के ऊपर चले जाते हैं हाइट पे। यहां ऊपर जाने के बाद इनका क्या बन जाता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द क्लाउड्स। लो टेम्परेचर जब हो जाता है तो क्लाउड्स बन जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं। बाद में ये ऊपर से इन द फॉर्म ऑफ रेन गिर जाते हैं और ये रेन की शक्ल में नीचे आ जाते हैं। ये रेन वाटर सारा का सारा कुछ समुंदर में चले जाता है, रिवर्स के जरिए से, नदी नालों के जरिए से, लेकिन सारे का सारा समुद्र में नहीं जाएगा। कुछ पानी इस सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो पानी अंडरग्राउंड वाटर कहलाया जाएगा। या अंडरग्राउंड वाटर या तो रिवर्स वगैरह के जरिए से इधर आ जाएगा, या नदियों के जरिए से, या हम ये कह सकते हैं स्प्रिंग्स के जरिए से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज नहीं तो हम हैंड पंप्स या वेल्स के जरिए से इसको ऊपर ले आएंगे। हम देख रहे हैं इसमें साइक्लिक वे से यही वाटर जो है इसके वेपर्स बन रहे हैं, यही वेपर्स बाद में क्लाउड्स बन रहे हैं, यही क्लाउड्स बाद में रेन बन रही है और ये रेन की शक्ल में साइक्लिक मैनर में वाटर चल रहा है। दिस इज हाउ द वाटर साइकिल टेकन प्लेस, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल। ओके, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए TI स्टूडियो को YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।